ये है धान खेती पूरा पक चुका है। हेलो गैस, आप सभी को और एक बार स्वागत करता हूँ हमारा इस प्रोग्राम में। जो आपने देख रहा है तो आप भी देखिए, यहाँ में इतना सुंदर धान पक चुका है एकदम, इसमें काटने वाला नहीं है। कुछ लोग घरों खा दिया, कुछ लोग ऐसे गिर गया, उसको जब तक काटेगा नहीं तो इसे स्टोर में ले जाएगा। ठीक, इसी प्रकार धान तो पक चुका है लेकिन काटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर ये पता दिखाएंगे आप लोग को, ये धान है, धान का खेती में हम घूस रहा है। आप देख सकते हैं धान इसको काटने के लिए कोई मजदूर नहीं है, तो जब तक मजदूर नहीं होगा तो इसको काट नहीं सकता। ठीक, इसी तरह हमारा सारा दुनिया में भी सारे जो लोग हैं इस तरह से पक चुका है। बहुत सारे लोगों को कोई भी सुसमाचार गॉस्पेल प्रचार करने वाला कोई नहीं है, तो इसीलिए दुआ करो ताकि कोई प्रभु का सेवा करने वाला लोग निकाले, ताकि ऐसा जैसा दुनिया में बहुत सारे लोग पाप में है, वैक्सलाइन में है, कोई भी उसको सुधारने वाला सिखाने वाला है नहीं, ताकि प्रभु का काम करने वाला एक आदमी भेज दे, आकर प्रभु का सेवा कर सके, प्रभु के लिए डेडिकेट कर सके। आप सब प्रार्थना करो जैसा बाइबल में लिखा है, मैत्तयू चैप्टर 9:34-35 में, कि धान तो पका हुआ है लेकिन काटने वाला मजदूर नहीं है। आप लोग जैसे भी दुआ करिए सारा पृथ्वी के लिए, अरुणाचल के लिए, आसाम के लिए, ताकि प्रभु मजदूर भेजे सब मिनिस्ट्री में, सब चर्च में, पास्टर भेजे, एवेंजेलिस्ट भेजे, और फुल टाइम वर्कर भेजे, और क्या बोलते हैं स्पॉन्सर करने वाला भेजे, चर्च बना देने वाला भेजे, पैसा देने वाला भेजे, और ऐसे ऐसे लोग प्रभु भेजे, ताकि उसका काम के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करो। तो मैं विश्वास करता हूँ जरूर प्रभु आप लोग का प्रार्थना सुनेंगे, और आपका चर्च भी डेवलप होगा, आपका मिनिस्ट्री भी डेवलप होगा, आपका देश भी डेवलप होगा, आपका कॉलोनी भी डेवलप होगा, आपका परिवार भी डेवलप होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।